परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा कैलाश पर्वत के रहस्य से है। कैलाश पर्वत की हाइट एवरेस्ट की हाइट से आधी है, परंतु आज तक कोई भी पर्वतारोही उसके ऊपर नहीं पहुंच पाया। जिन्होंने प्रयास किया उनके अनुभव बड़े विचित्र थे कि यकायक उनकी उम्र बढ़ गई, यकायक उनके नख व बाल बढ़ गए, यहाँ तक कि थोड़ा आगे बढ़े तो उनको दिशा का भ्रम हुआ। यद्यपि कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ानों पर प्रतिबंध है, किंतु एक पायलट ने वहाँ पर ये देखा और उसके अनुसार उसने बताया कि कैलाश पर्वत पर सुंदर जिनालयों एवं भवनों की भरमार है। अभी हाल ही में एक किताब ब्रह्मचारी लामची दास जी की पढ़ने में आई, उन्होंने अपनी यात्रा में वर्णन किया है कि वेंतर देव ने उन्हें कैलाश की यात्रा करवाई। तो गुरुदेव, ये क्या रहस्य है? सन 2013 में श्वेतांबर परंपरा में सन 2013 में एक पत्रिका निकलती है, रणमो तीर्थस्य। ये श्वेतांबर परंपरा की पत्रिका है, उसमें एक पूरा अंक निकला था और उसमें जो विवरण कैलाश पर्वत के विषय में दिया गया वो बहुत कुछ चौंकाने वाला था। उसमें उन्होंने एक अमित दोषी नाम के व्यक्ति का उल्लेख करते हुए लिखा कि उसने कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहाँ सिद्धाश्रम नाम का एक स्थान है, उस स्थान में न सर्दी है न गर्मी, वहाँ का वातावरण बड़ा अनुकूल, और वहाँ दिगंबर साधुओं का भी स्थान मिला। मैं जब जयपुर था वहाँ मेरे पास एक योगी आए जो समर्पण योग चलाते, नाम तो मैं भूल रहा हूँ। वो मुझसे मिलने के लिए आए थे, दो बार आए, और उन्होंने कहा कि मैंने कैलाश की यात्रा की, और उनने कैलाश की यात्रा के क्रम में कहा कि मैं वहाँ दिगंबर रहा और वहाँ मैंने अनेक दिगंबर मुनियों के दर्शन किए। उनकी एक पुस्तक भी उन्होंने भेंट की थी, उसमें मुनि के चित्र भी थे, हालांकि वो पेंटिंग्स में थे, फोटोग्राफ्स में नहीं थे। और उन्होंने बताया कि वहाँ दिगंबर मुनियों का सद्भाव है, और मेरे पास आने की बात, मेरे पास जो आए थे वो केवल इस भाव से आए थे कि महाराज जी, मैं आपके पास केवल इसलिए आया हूँ कि ध्यान को अगर जगत व्यापी कोई बना सकता है तो जैन मुनि बना सकते हैं, आप इसे करें। ये उनके शब्द थे, ये उद्गार उन्होंने मंच में भी प्रकट किए थे। तो कैलाश पर्वत को लेकर कई बातें हैं, उसमें ये एक और उल्लेख था जो नमो तीर्थस्य में छपा है, जहाँ तक मुझे याद है कि वहाँ 50-50 मीटर तक की खड़गासन प्रतिमाएं भी है। ये बड़े आश्चर्यजनक है, लेकिन उसके बाद मैंने उसकी कुछ तहकीकात कराई तो निष्कर्ष कुछ सामने नहीं आया। पर जो भी हो, कैलाश पर्वत भगवान शिवदेव की निर्वाण स्थली है और भारतीय संस्कृति का आदर्श है। शिव की भी निर्वाण स्थली, शिव का स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है। अट्ठावयम्मी उस हो हम लोग रोज बोलते हैं, तो ये अट्ठावय पव्ये हम रोज बोलते हैं, यह कैलाश पर्वत सबके लिए आदर्श है। बाबा लामची दास की जो कथा आपने बताई, जो पुस्तकें आपको लोगों को मिली, वो आज से लगभग 200 वर्ष पुरानी बात है, और उन्होंने 22 वर्षों में सभी सिद्ध क्षेत्रों की वंदना पद यात्रा पूर्वक की, उसका वर्णन उन्होंने किया है। उसकी एक प्रति यहाँ थी भी, लोगों को देखने लायक है। और वो उन्होंने उसमें लिखा, उसमें तिब्बत आदि कई देशों में वो पैदल गए और कैलाश के लिए गए, तो एक जगह
नाले के किनारे पहुंचकर उफनता नाला था, आगे रास्ता नहीं, कुछ दिख नहीं रहा था, वो वहीं मूर्छित हो गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था कि मैं जब तक कैलाश की वंदना नहीं करूँगा कुछ नहीं करूँगा। और जब उन्हें होश आया तो सामने कैलाश पर्वत और वहाँ के जिनालियों का दर्शन किया, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। वो उनके हाथ से लिखी भी कृति है, ये सब शोध का विषय है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि नासा ने भी इस विषय में कुछ काम किए हैं। हमें और सामग्री जुटानी चाहिए और व्यापकता के साथ इन्हें समझने का प्रयास करना। नमोस्तु गुरुदेव।